الحمد لله الرحمن الرحيم أنعمت عليه صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد فقد قال علي بن موسى الرضا عليهما السلام الايمان اربعة اركان التوكل على الله والرضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله والتفويض إلى الله صلوات حجد محمد علی محمد آج کا دن ہمارے آٹھویں امام امام رؤوف حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا ولادت کا دن تھا اور آپ ہی کا ارشاد ہے کہ ایمان کے چار رکن ہیں ایمان کے چار پائے ہیں التوکل علی اللہ ایمان کے پہلے پائے اور رکن کا نام ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا والرضا بقضاء اللہ دوسرا جو پایا ہے ایمان کا وہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا والتسلیم لامر اللہ اور جو اس ایمان کا تیسرا پایا ہے تیسرا رکن ہے وہ ہے احکام الہی کے مقابل تسلیم ہو جانا والتفویض الی اللہ اور ایمان کا چوتھا پایا ہے اپنے تمام کاموں کو اللہ کے حوالے کر دینا ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد انہی چاروں باتوں کی مختصر سی وضاحت التوکل علی اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ پروردگار عالم خود قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
जिसने भी अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा किया तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो गया। और तारीख में आपको ऐसे बहुत से वाक़ात, बहुत सी मिसालें, बहुत से नमूने मिलेंगे कि जिनके पास कुछ नहीं था, हालात नहीं थे, इम्कानात नहीं थे, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा था और उस अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसे ने उनको कैसी कैसी अजीम कामयाबियाँ अता की हैं। ख़ुद आप तारीख इस्लाम को अगर उठाएं तो इस्लाम का जो इब्तदाई दौर रहा है, इस इब्तदाई दौर में जो मुश्किलात थीं और जिन मुखालिफतों का सामना था, उन मुश्किलात और उन मुखालिफतों में वो कौन सी चीज़ थी कि जिसकी बुनियाद के ऊपर पैगंबर खत्ती मर्तबत के कदम आगे बढ़ते चले जा रहे थे? वो था अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा। मदीने में आने के बाद जो पहली जंग हुई है, कैसे हालात में हुई है, मुसलमानों के पास कुछ नहीं था, कुफार के पास सब कुछ था, इसके बावजूद आप कुरान उठाइए, तफसीर देखिए, तारीख का मुतालिया कीजिए, जिनके पास सब कुछ था वो हार गए, जिनके पास कुछ नहीं था वो जीत गए। एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये है अल्लाह ताला की जात पर भरोसा, अत्तवक्कुल अलल्लाह वर रज़ा व क़ज़ा इल्लाह। ये दूसरा रुकन है, दूसरा पाया है ईमान का। इंसान मोमिन हो ही नहीं सकता है जब तक कि अल्लाह ताला की जात पर भरोसा ना हो। इंसान मोमिन हो ही नहीं सकता है जब तक के उसके अहकाम के सामने तस्लीम ना हो जाए। वर रज़ा व क़ज़ा इल्लाह, उसके फैसले के ऊपर राजी न रहे हो, उसके अहकाम के ऊपर, उसके हुक्म के ऊपर, उसके फैसले के ऊपर राजी न रहे। बहुत से दुनिया में हमारे सामने हर रोज ऐसे मसाइल आते हैं, ऐसी मुश्किलात आती हैं और उनमें हमारी परेशानी और हैरानी का सबब ही ये होता है कि हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह का फैसला क्या है, अल्लाह चाहता क्या है, अल्लाह का मंशा और इरादा क्या है। और हम अपने ज़ोम में और अपने गुमान में हर तरीके से हाथ पैर मारते हैं। और जाहिर से बात है, सही भी है। देखिए, तवक्कुल का मतलब भी ये नहीं है कि इंसान हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए और यही अल्लाह के फैसले पर राजी रहना, ये इसी से मिला हुआ है। कि तवक्कुल का मतलब ये नहीं है कि इंसान अल्लाह हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए कि बस ठीक है, कुरान ने कहा है कि अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा करो, वही काफ़ी है, लेकिन हमको कुछ नहीं करना है। नहीं, कुछ नहीं करना का माना भरोसा नहीं है। जो भी इम्कानात हैं, जो भी इख्तियारात हैं, जो भी कुव्वतें हैं, जो भी ताकतें हैं, उन तमाम कुव्वतों और ताकतों और इम्कानात को बरूवेकार लाने के बाद फिर अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा करें, फिर अल्लाह ताला की ज़ात पर। पैगंबर हत्ती मरतबा तशरीफ़ फरमा, एक अरब आया बद्दू, और उसने आने के बाद अपने घोड़े को मस्जिद के बाहर छोड़ा और खुद पैगंबर की खिदमत में आया। पैगंबर ने उससे सवाल किया, तुमने अपनी सवारी को क्या किया? तो उसने जवाब दिया कि अल्लाह भरोसे छोड़ दिया है, बाहर अल्लाह भरोसे छोड़ दिया, घोड़े को अल्लाह भरोसे छोड़ दिया है बाहर। पैगंबर ने जैसे ही सुना, पैगंबर ने फरमाया कि उसको पहले बांधो, फिर अल्लाह पर भरोसा करो। एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि इंसान हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए और कोई तदबीर ना करे, कोई चाराजोई ना करे। नहीं, जो भी तदबीर हो सकती है, जो भी चाराजोई हो सकती है, जो भी सही तरीके से उस सिलसिले में कोशिशें हो सकती हैं, वो कोशिशें करें और उसके बाद फिर अल्लाह ताला की जात के ऊपर भरोसा करें। वर रज़ा बि क़ज़ा इल्लाह, अब ये देखिए इसी से जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद जो भी अल्लाह फैसला कर दे उसके ऊपर राजी हो जाए।
हो सकता है कि आपके हक में और आपको ना लगता हो, आपको लगता हो कि शायद हमारे खिलाफ है यह फैसला, लेकिन जो भी फैसला हो उसके ऊपर राजी हो जाए। बहुत कोशिश की, बहुत तगोदो की, रात दिन ने किए, बड़ी दुआएं की, बड़ी नमाजें पढ़ी, कुछ मकसद को लेके, कोई दुनियावी मकसद था, कोई रोजगार था, कोई कारोबार था, कोई तिजारत थी, सारे इम्कान जो है वो इस्तेमाल कर लिए, लेकिन मकसद को नहीं पहुंच पाए, मकसद तक नहीं पहुंच पाए। अगर मकसद तक नहीं पहुंच पाए कोई बात नहीं है, वर्रज़ा बिक़ज़ाइल्लाह, अल्लाह कह रहा, इमाम रज़ा फरमा रहे हैं कि देखो ये ईमान का रुकन है कि तुमने अपनी कोशिश की, तुमने हाथ पैर मारे, तुमने तदबीर की, तुमने चारा जोई की, अब उसके बाद जो भी तुम्हारे हक में अल्लाह फैसला कर दे उस पर राजी हो जाओ। मिलना था मिल गया, नहीं मिलना था नहीं मिला, मिला तो भी राजी, नहीं मिला तो भी राजी। अगर मिला तो इतराए नहीं इंसान, गुरूर न पैदा हो जाए, घमंड ना आ जाए, नहीं मिला कुफरान नेमत न करने लगे, जबान के ऊपर गलत अल्फाज ना आ जाए अल्लाह ताला के लिए। वत्तवक्कुल अलल्लाह वर्रज़ा बिक़ज़ाइल्लाह, अल्लाह ताला के फैसले पर राजी रहना। वत्तस्लीम अल अम्रिल्लाह, ये तीसरा पाया है मोमिन के लिए ईमान का, उसके अहकाम के मुकाबले में तस्लीम हो जाना। बहुत से मौके ऐसे होते हैं जहां के ऊपर हम अहकाम इस्लामी को नजरअंदाज कर देते हैं। अल्लाह ताला का हुक्म क्या है, रसूलुल्लाह चाहते क्या है, आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम हमसे किस बात में खुश हैं, उसको हम पसे पुश डाल देते हैं और उसके मुकाबले में हम अपना एक अलग रास्ता चुन लेते हैं या फिर एतराज करने लगते हैं। कभी अल्लाह ताला की जात पर एतराज, कभी पैगंबर पर एतराज, कभी आइम्मा पर एतराज, तरह तरह के शक शुभे हमारे जहन और दिमाग और दिल में पैदा होने लगते हैं। आठवें इमाम फरमाते हैं कि देखो अगर मोमिन हो तो अहकाम इस्लामी के मुकाबले में जो भी वह तस्लीम वल अम्रिल्लाह, जो भी अल्लाह का हुक्म हो उसके मुकाबिल तस्लीम हो जाओ। तस्लीम का मतलब क्या होता है, अपने को अल्लाह के हवाले कर दो, सिलेंडर हो जाओ। अल्लाह ने जितनी भी चीजें वाजिब की हैं ये सब अल्लाह ताला का अम्र है। नमाज अल्लाह ताला के अम्र में से है, रोजा अल्लाह ताला के अम्र में से है, जकात और खुम्स अल्लाह ताला के अम्र में से है, जिहाद अल्लाह ताला के हुक्म में से है, अम्र बिल मारूफ नहीं मुनकर अल्लाह ताला के हुक्म में से है। जितने भी अहकाम इस्लामी हैं उन तमाम अहकाम इस्लामी के मुकाबले में तस्लीम हो जाए। जो हलाल है उसे हलाल जानो, जो हराम है उसे हराम समझो, जो जायज है उसे जायज जानो और जो नाजायज उसे नाजायज समझो। नाजायज को तावीलें करके जायज ना बना लो, नहीं साहब ऐसा है वैसा है और यहां तो ऐसा वहां तो वैसा, लिहाजा ये हमारे लिए ये चीज जायज हो जाएगी। तुमने पूछा मरजे तकलीद से, मरजे तकलीद से सवाल किया, तुम्हारे पास खुद तो इतना इल्म है नहीं कि तुम जायज और जायज को समझ, नाजायज को समझ सको, हराम और वाजिब को समझ सको। जब नहीं इल्म है तो मालूम किया, लिहाजा अहकाम इलाही के मुकाबले में तस्लीम हो जाना ये मोमिन की अलामतों में से एक अलामत है। वत्तफवीज़ इलल्लाह, अपने तमाम कामों को, तमाम उमूर को अल्लाह के हवाले कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी चीज है कि तमाम कामों को अल्लाह के हवाले कर देना। अल्लाह के हवाले करने का मतलब क्या है, अल्लाह के हवाले करने का मतलब यह है कि चाहे हम हो, हमारी आला औलाद हो, हमारा घर बार हो, हमारा रोजगार हो, हमारा कारोबार हो, बाकी जितने भी उमूर जितने मसाइल हैं, इन तमाम मसाइल में अल्लाह के हवाले कर देना।
اگرچہ یہ اللہ کے حوالے کرنا یہ بھی تقریباً توکل ہی سے کی ایک قسم ہے، توکل ہی کی ایک قسم ہے۔ خدا نخواستہ کوئی پرابلم ہو گئی، کوئی پریشانی ہو گئی، کوئی مرض لاحق ہو گیا، اب اس میں ہم کیا کریں؟ ظاہر سی بات ہے کہ دو راستے ہیں، ایک ہے دوا اور ایک ہے دعا۔ ان دونوں کا حکم دیا گیا ہے کہ تم اگر مریض ہو گئے ہو، کوئی پرابلم ہوئی ہے، دوا بھی کرو دعا بھی کرو۔ یہ دعا کیا چیز ہے؟ یہ دعا اپنے کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، اللہ کے حوالے کرنا ہے کہ ہم نے آپ اپنے کو اللہ کے حوالے کر دیا، اب جو اس کا فیصلہ، اس کو شفا دینی ہوگی شفا دے دے، اگر شفا میں اس کی مصلحت نہیں ہوگی مرض کو طولا نہیں کر دے گا، ہو سکتا ہے اسی میں ہمارے لیے کوئی بہتری ہو، ہو سکتا ہے اسی میں ہمارے لیے کوئی اچھائی ہو۔ زندگی ہوگی زندگی دے گا، زندگی میں مصلحت نہیں ہوگی موت دے دے گا، لیکن جو بھی اس کا فیصلہ ہے ہم راضی ہیں۔ اپنے کو اللہ کے حوالے کر دینا، اگر آپ کو واقعاً یہ چاروں صفتیں دیکھنی ہیں تو آئیے کربلا کے میدان میں آئیے، اللہ تعالی کی ذات پر بھروسہ، اس کے فیصلے اور اس کے پر راضی رہنا، اس کے احکام کے مقابل تسلیم ہو جانا، اپنے تمام امور کو اس کے حوالے کر دینا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیسا تھا کربلا والوں کا؟ عام طور سے ہوتا یہی ہے کہ دنیا میں یہ مادیت، یہ زر و جواہرات، یہ دولت، یہ اقتدار، بڑے بڑے افراد کے قدموں میں لغزش پیدا کر دیتی ہے۔ فوج یزیدی میں بہت سے ایسے تھے جو امام حسین کی عظمت اور مقام سے واقف تھے، خود عمر سعد کیا نہیں جانتا تھا کہ امام حسین کون ہے؟ جانتا تھا، اس نے خود اپنی زبان سے اقرار کیا ہے۔ امام حسین کے مقام اور مرتبے کا، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا؟ صرف رائے کی حکومت کا وعدہ کیا تھا، ملی نہیں تھی ابھی، اور اس وعدے کے اوپر امام حسین جیسی شخصیت کے قتل پہ آمادہ ہو گیا، امام حسین جیسی شخصیت کے قتل پہ تیار ہو گیا۔ امام حسین حالات سے واقف تھے، لہذا امام حسین نے فرمایا کہ تو رے کی حکومت کیا، رے کی گندم تک تجھے نصیب نہیں ہوگی، اور وہی ہوا بھی۔ لیکن ادھر یہ جو امام حسین کے ساتھ تھے، کیا ان کو وہ ساری پیشکشیں نہیں کی گئی؟ نہیں، زر و جواہرات بھی، دولت بھی، حکومت بھی، اقتدار بھی، ہر طریقے سے لالچ دی گئی، لیکن واقعاً کیا ایمان تھا، کیا یقین تھا کہ اس ایمان اور یقین کی منزل میں کہ جہاں امام حسین چراغ گل کر رہے ہیں اور گل کرنے کے بعد آواز دے رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم کو شرم آتی ہے تو میں چراغ گل کیے دیتا ہوں، اندھیرا کیے دیتا ہوں، اب چلے جاؤ۔ لیکن امام حسین کی ذات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئی، کون سی چیز تھی؟ یہ تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ۔ وَالرَّضَى بِقَضَاءِ اللَّهِ، اس کے فیصلے پر راضی ہو جانا۔ آپ آیت سنتے رہتے ہیں، یہ آیت کربلا میں وقت آخر سنی گئی ہے، فضاؤں میں، خلاؤں میں، کہ ہاتف غیبی آواز دے رہا، یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ۔ یہی ہے تسلیم کی منزل، یہی ہے رضا کی منزل، اس کے فیصلے پر راضی ہو جانا، اس کے حکم کے سامنے تسلیم ہو جانا۔ اور اس کے بعد
इमाम ने क्या किया था, वो आखिरी हमला की जहां फौजें भाग रही थी, जैसे ही आवाज आई कि हुसैन बस, ए नफ्से मुतमईना के मालिक आ जा अपने रब की बारगाह में इस हाल में कि वो तुझसे राजी और तू उससे राजी। इमाम ने तलवार को नाम में रख लिया, जो भी उसका हुक्म है, जो भी उसका फैसला है, जिसमें भी उसकी खुशी है, हम राजी हैं, खुश हैं, तस्लीम है उसके हुक्म के सामने। वत्तफवीज़ इलल्लाह, और अपने को अल्लाह के हवाले कर देना। जिस वक्त इमाम हुसैन रुखसत हो रहे थे तो खैमे में जो बीबियां रुखसत कर रही थी, जो बच्चियां रुखसत कर रही थी, तो बहरहाल कहीं ना कहीं इनकी जबानों पर यह था कि हमको किसके हवाले करके जा रहे हैं, किसके ऊपर छोड़ के जा रहे हैं। उस मौके के ऊपर इमाम हुसैन ने फरमाया था कि हम तुम सबको अल्लाह के हवाले कर रहे हैं, अल्लाह के हवाले कर रहे हैं, जो उसका फैसला होगा, जिसमें उसकी रजा होगी। करबला के बाद जिस तरीके के हालात का सामना था, अगर वाकयन अल्लाह की मारफत न होती, अल्लाह के ऊपर यकीन न होता, तो मुमकिन नहीं था उन हालात में टिकना। दिल में तरह तरह के ख्यालात पैदा हो जाते, शक आ जाते कि कहां तो कुरान हमारे घर में नाजिल हुआ, शरीयत हमारे घर से चली, और अभी अभी इमाम वक्फ फरमा के गए, तुम सबको अल्लाह के हवाले करके जा रहा हूं, और फिर ये क्या हो गया। अल्लाह के हवाले करने का मतलब ये कि अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाएगा, अल्लाह हमको बचाएगा। लेकिन करबला में क्या हुआ, करबला में इमाम हुसैन की शहादत होते ही खैमों को लूट लिया गया, बीवियों के सरों से चादरों को उतार लिया गया, चौथे इमाम को कैदी बनाया गया, अहले हरम को असीर करके करबला से कूफा और कूफा से शाम ले जाया गया। ये कौन सी चीज थी कि जो उनको इन तमाम मरहलों में कुव्वत दे रही थी, ताकत दे रही थी? ये था अल्लाह ताला की जात पर भरोसा। वो जानते थे कि इलाही फैसले का मतलब क्या है, और यही है अपने को अल्लाह के हवाले कर देना, जो भी तुम्हारे हक में अल्लाह फैसला करे, अगर वो इस चीज में राजी है तो इसमें हमारी रजा। खुद इमाम हुसैन ने वक्त आखिर फरमाया था कि अगर मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े होने से दीन मोहम्मदी बचता है तो ये तलवारों आओ मुझे टुकड़े टुकड़े कर दो। खुद जिस वक्त ये काफिला असीर हुआ है और असीर करके इस काफिले को करबला से कूफा और कूफा से शाम लाया गया, मैंने अर्ज किया कि अगर कोई बेमारफत होता इस काफिले में, जिसे ना अल्लाह की मारफत होती, ना रसूल की मारफत होती, ना इमाम की मारफत होती, ना कुरान की मारफत होती, तो शायद वो डगमगा जाता, उसके कदम पीछे हट जाते, लफ्जिश पैदा हो जाती, अल्लाह ताला के ऊपर शक करने लगता। लेकिन ये जनाब ज़ैनब है, जनाब उम्मे कुलसूम है, ये अहले हरम है कि दरबार यजीद में खड़े होके जिस वक्त यजीद फख्र कर रहा था कि आज हमारे आबा और अजदाद होते तो बड़ी शाबाशी देते कि शाबाश तूने बद्र और ओहद का खूब बदला लिया, उसी मौके के ऊपर जनाब सानिया ज़हरा, जनाब ज़ैनब कुबरा, जिस वक्त यजीद ने यह जुमला कहा है कि देखो आज अल्लाह ने तुमको कैसे जलील किया है, कैसे रुसवा किया है, जनाब ज़ैनब गोया हुई। और जनाब ज़ैनब का वो तारीखी जुमला आज भी किताबों में मौजूद है कि जहां जनाब ज़ैनब ने उसी दरबार में बुलंद आवाज में कहा था, माराई तो इल्ला जमीला, मैंने तो अल्लाह के यहां सिवाय खूबसूरती के कुछ देखा ही नहीं है। जिसको तो जिल्लत कह रहा है,
जिसको तो रुसवाई कह रहा है, ये जिल्लत तो रुसवाई नहीं है। उसके यहां तो सिवाय जमाल ही जमाल है, उसके यहां तो खूबसूरती ही खूबसूरती है। और यही असीरी तेरी हुकूमत के खात्मे का सबब बनेगी। और यही हुआ भी कि वही अहले हरम कि जिनको कैद करके इसी शाम में लाया गया था और इसी शाम में कैद खाने में रखा गया था, इसी शाम में अहले हरम की मौजूदगी ही से एक ऐसा इनकलाब पैदा हुआ है। ये यजीद रिहा करने के ऊपर क्यों मजबूर हुआ? इसलिए कि जैसे जैसे दिन गुजरते जाते थे, शाम वालों के अंदर बेकरारी और बेचैनी बढ़ती जाती थी। उन जिनको पता नहीं था उनको उनकी मालूमात में इजाफा होता जा रहा था। और वो जब उस जिंदान के करीब से गुजरते थे, एक सवाल उनके जहन में आता था कि इनको क्यों कैदी किया बनाया गया है, ये कहां के कैदी हैं, ये कौन लोग हैं। जब उनको जवाब मिलता था तो यजीद के खिलाफ उनकी जबानों के ऊपर अल्फाज आते थे। शाम में इनकलाब की कैफियत थी, यही वो वजह थी कि जिसकी बुनियाद पर यजीद मजबूर हुआ था अहले हरम को रिहा करने पर। जिस वक्त अहले हरम को रिहाई मिली है और काफिला शाम से मदीने की तरफ रवाना होने लगा, कहते अमारियां लाई गई, अमारियों के ऊपर मखमली पर्दे लगाए गए। जनाब सानिया जहरा ने देखा, तड़प गई, बेकरार हो गई। फिजा जाकर यजीद से कह दो कि हम लुट के जा रहे हैं, इन मखमली पर्दों को उतार लिया जाए और अमारियों के ऊपर सियाह पर्दे लगा दिए जाए। सियाह पर्दे लगाए गए। अजादारों, बस एक मरतबा बीबियां इन अमारियों में सवार होने लगी। जनाब ज़ैनब एक एक बीबी को आवाज देती हैं, एक एक बीबी को आवाज देकर सवार कर रही हैं। कहती हैं कि जब जनाब ज़ैनब ने तमाम बीबियों को सवार कर लिया, खुद जिंदा ने शाम में आई, आने के बाद अपने को एक गोशे में एक छोटी सी कब्र पे गिराया, आवाज दी, बेटी सकीना तुम्हें बड़ी तमन्ना थी, बड़ी आरजू थी, जब शाम होती थी तुम दर जिंदान पे बैठ जाती थी और जब परिंदों को जाता हुआ देखती थी, कहती थी पुपी अम्मा इन परिंदों को घर नसीब, मुझे अपना घर कब मिलेगा। बेटी उठो, देखो रिहाई मिल गई है, तुम्हारी फूफी मदीने जा रही है, काफिला मदीने जा रहा है। अजब नहीं कब्र सकीना से आवाज आई हो, फूफी अम्मा आपको मदीने जाना मुबारक, जब करबला पहुंचिएगा और मेरे बाबा को मेरा सलाम कहिएगा और कहिएगा बाबा आपके बाद वो गोशवारे जो आपने पहनाए थे वो शिमर ने उतार लिए, पुश्त के ऊपर दुर्रों से अजियत दी, करबला से लेके कूफा, कूफा से लेके शाम तक जब जब मैं बाबा को पुकारती थी शिमर मलून ताजिया ने मारता था, दुर्रों से अजियत देता था। अला लानतुल्लाह अलल कौम अज़्ज़ालिमीन सयअलमुल्लज़ीना ज़लमु अय्यमुन क़लबियन क़लबून बिहक ज़हरा वाबीहा वबआलिहा वबनीहा। बार इलाह शबे जुमा, शबे मगफरत, शबे रहमत, शबे दुआ, शबे मुनाजात, हम सब तेरे गुनहगार और ख़ताकार बंदे। माबूद हम सब को माफ़ फरमा, हमारी गलतियों और ख़ताओं से दरगुजर फरमा, हमारी तौफीकात में इजाफा फरमा, परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, परचम कुफ्र और निफाक को सरनगू फरमा। मोमिनीन जहाँ जहाँ भी आबाद हैं उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा, मकामात मुकद्दसा की हिफाजत फरमा, उलमा और मराजे की हिफाजत फरमा, जो मोमिनीन बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा, जो दुनिया से रुखसत हो चुके उनकी मगफरत फरमा। मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सब को इमाम के ग़ुलामों और उनके नासिरों में शुमार फरमा, हम सब की तमाम दीनी और दुनियावी हाजतों को पूरा फरमा। व तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउल अलीम।